आइए, जैसा कि भैया का आदेश हुआ है और एक टन पहले ही किया था कि भैया जवाबी तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ देश के ऊपर बातें हो जाए क्योंकि सुबह का समय है और जैसा कि भाभी जी कह चुकी हैं कि कुछ सुनने सुनाने वाली बात हो, आइए क्योंकि समय भी बढ़ रहा है और जैसा कि दादा का अमित भैया का आदेश है, सुनिए। और बात रही जैसा कि आपने कहा दांत काला है, पहली बात, अगर 100 व्यक्ति ये कह रहे हैं कि कंठ नीला है और कोई एक व्यक्ति कह रहा है कि कंठ काला है तो बात किसकी मान्य होगी? अच्छा, नील कंठ जो है उसमें संस्कृत के श्लोक में भी आया है तो वो गलत है। चलो ठीक है, आपकी बात सही है, काला है। अगर किसी व्यक्ति ने किताब में लिख दिया काला है तो हम काला कैसे मान लें? हर जगह नीला है, पता नहीं तुम्हारी कौन सी पुस्तक है उसमें काला हो गया, तो हो सकता है वो अलग है। अच्छी बात है, जैसा कि दादा का आदेश है, सुनिए। अरे किसी ने कहा था क्या बात है, किसी ने कहा था किसी से न कहना, लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना, सुनेगा जो तुम पर तो हंसेगा जमाना। इसलिए मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुरा। भाभी जी, ये आपके छोटे भैया का लिखा गीत है, आपके चरणों में वंदन करके फिर इस गीत को रख रहा हूँ, सुनिए। और कोई जवाब नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ अमित भैया की फरमाइश है तो कर रहा हूँ। भैया सुनिए सुनिए, नहीं भाभी जी बुला के नहीं कहा, भैया आपने कहा था कि नहीं, मैंने सिर्फ पूछा था कि आपने कौन सा गीत बताया है, सुनिए। एक सैनिक के लग गई गोली, मरते मरते निज भैया से ऐसी बात कहने लगा। जब उसके गोली लगी तो एक सैनिक भाई उसके पास में खड़ा था, उसने उसको साथ लिया, जैसे उसके सीने में गोली लगी। और ये गीत भैया मैंने जब लिखा था, एक गीत मेरा और है कि पीठ ना दिखाना बेटा सीने पे गोली खाना। तो जब एक फौजी कारगिल पर जाता है और सीमा पर खड़े होकर जब जंग होती है और कोई फौजी ये नहीं चाहता कि मेरा देश लुट जाए या मेरे देश पर कोई भी दुश्मन चढ़ के आ जाए, तो जब तक फौजी के अंदर जान रहती है अगर वो ना हो तो हम तुम्हारी हिफाजत से ना बैठ पाए। तो आज उस फौजी के सीने में गोली लग गई और जब गोली लगी तो उसको दूसरे सैनिक ने पकड़ लिया और गोदी में लिटा लिया। तो कहा भैया मेरी बस एक तमन्ना है, मैं मर तो रहा हूँ लेकिन मेरी एक तमन्ना है। बोले क्या तमन्ना है? तो देखिए वो क्या कह रहा है। पीठ ना दिखाई गोली सीने पे खाई, मैंने पीठ नहीं दिखाई, मेरी माँ से कह देना कि उसने मुझसे कह के भेजा था
कि बेटा पीठ मत दिखाना, अगर तू घर पे आया और मैंने तेरी पीठ पर गोली लगी देखी तो मैं साफ मना कर दूं कि ये मेरा बेटा नहीं है। नहीं है तो मेरी माँ से कह देना, पीठ ना दिखाई गोली सीने पे खाई, अरे चढ़ने न दिया दुश्मन मैंने बदल से। लेकिन मेरी अंतिम तमन्ना यही है, चढ़ने न दिया दुश्मन मैंने बदल से। और के भैया अंतिम तमन्ना सिर्फ वही है, तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे, जब मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं मेरे भैया मेरे मुख में बस गंगा हो, जब घर पे मेरी लाश चले तो तन पे मेरे तिरंगा हो। कुछ नहीं चाहता हूं, सिर्फ इतना चाहता हूं। और कहने लगा कि मेरी माँ ने मुझसे कह के भेजा था, माँ ने कहा था हस हस के गोली फेंका सीने पे खाना। तो मेरी माँ से कह देना, बहुत बुरे बेटा, मैया से कहना मैंने, मैया से कहना मैंने पीठ ना दिखाई। मेरी माँ से कह देना, मैया से कहना मैंने पीठ ना दिखाई, अरे बेटा मरा है बस माँ के वचन से। और मेरी अंतिम तमन्ना सिर्फ यही है, तिरंगा उड़ाना मेरे ये बात जब उसने कही कि मेरी माँ से कह देना तेरे बेटे ने सीने पे गोली खाई है, और मेरे पिताजी से एक बात और कह देना, बहुत अच्छी, क्योंकि जिसका एक बेटा हो और वो भी सरहद पे जाके शहीद हो जाए, बहुत बढ़िया, तो उस बाप के दिल पर क्या बीतती होगी। मेरे पिता से एक बात कह देना कि उनका बेटा मरा नहीं है। क्या कहना है, भारत माते भारत माँ के उधर सो गया है, 9 महीने तो मुझे मेरी माँ ने अपने उधर में रखा, लेकिन आज मैं हमेशा के लिए अपनी माँ के उधर में सोने जा रहा हूं। मेरे पिताजी से कह देना, भारत माँ के उधर सो गया है, मरा नहीं बेटा उनका अमर हो गया है। हो
कह देना कि मैंने उनके नाम पर कपड़ा नहीं आने दिया, मैं सरहद से पीठ दिखा के नहीं भागा, मैंने गोली सीने पे खाई है। और वो जब तक जिएंगे दुनिया उनको सलाम करेगी कि तुम्हारे बेटे जैसा कोई बेटा नहीं। बहुत अच्छी, मेरे पिताजी से कह देना भारत माँ के उधर सो गया है, मना नहीं बेटा उनका अमर हो गया, मना नहीं बेटा मेरा अमर हो गया है, मना नहीं बेटा मेरा अमर हो गया है। मैं मर जाऊं मेरे भैया चाहे बेशक आन चली जाए, बहुत अच्छा बेटा बहुत, मैं कर लू नमन तिरंगे को बेशक मेरी जान चली जाए। आदरणीय दादा हाथरस वाले रामदेव जी का ये पूरा सवैया है, सुनिए। लेकिन आज बेटा क्या कह रहा है, भारत माँ के उधर सो गया है, मरा नहीं बेटा उनका अमर हो गया है। और मेरे पिताजी से कह देना सांसें रही जब तक गोली चलाई, जब तक मेरे शरीर में जान रही तुम्हारे बेटे ने पीछे कदम नहीं बढ़ाया। सांसें रही जब तक गोली चलाई, अरे बेटा मरा है अपने भारत रत्न, लेकिन मेरी अंतिम तमन्ना यही है तिरंगा उड़ाना, अंतिम बात कहने लगा कि मेरी पत्नी से एक बात कह देना, क्योंकि उसके उदर में मेरा खून पड़ रहा है और मैं उसको सूरत तक नहीं दिखा सकता। मेरी बीवी से एक बात कह देना, क्या कह देना, श्रृंगार सोलह की बगिया का माली। मैंने तुमको हमेशा सोलह श्रृंगार में देखा है, मेरी डेड बॉडी अगर घर पे जाए तो उससे कह देना वो सफेद साड़ी ना पहने, कि मैंने उसको हमेशा सफेद साड़ी में देखना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जब मेरी डेड बॉडी भी जाए तो वो सोलह श्रृंगार में खड़ी हो। और उससे कह देना कि शहीदों की नारियां विधवा नहीं होती, वो सफेद साड़ी में मेरे सामने ना आए। और कहने लगा हो श्रृंगार सोलहे सजे हरियाली, छोड़े चला भेसक बगिया का माल, गलती की मैंने उसके चमन को उजाड़ा, मैंने गलती की कि उसका पूरा श्रृंगार मैं ठुकरा के जा रहा हूं, क्योंकि पति से ही श्रृंगार होता है, तो मेरी गलती हो गई। गलती की मैंने उसके चमन को उजाड़ा, लेकिन लेकिन क्या, अरे जान ये लुटा दी मैंने सबके चमन को, मैंने सिर्फ अपनी बीबी का चमन उजाड़ा, लेकिन मैंने सबके चमन इस भारत देश की है और इसमें मैंने जान गंवाई है, इस बात का मुझे गर्व है। गलती की मैंने उसके चमन को उजाड़ा, जानिए दबा दी मैंने सबके चमन को, लेकिन अंतिम इच्छा यही है
तिरंगा बुढ़ाना और ये 11 रुपए हमारे राजू दादाजी की तरफ से आए हैं। बहुत सुंदर पार्टी है दादा की कानपुर की, बहुत बहुत धन्यवाद है राजू दीवाना जी कानपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद दादा को। और ये 501 अमूल्य मुद्रा हमारे दादा जगदीश दादाजी की तरफ से आई है जिनका कार्यक्रम है, और 2 नवंबर को, हाँ जो 11 तारीख का कार्यक्रम 2 तारीख का बोल रहे थे उसी कार्यक्रम कल्पना दुबे वाला, हाँ दादा के यहाँ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, मैं फिर कहूंगा, हिंदुस्तानी वही है जो मरते मरते भी भारत माँ की जय बोलता रहे, ये नहीं कोई धमकी दे दे तो घर में घुस जाओ, ऐसा हिंदुस्तानी होना बेकार है। तो निवेदन है कि हर लोग, हर व्यक्ति में ये होना चाहिए कि मैं मारा बेसक जाऊं लेकिन अपने भारत पर कभी आंच नहीं आने दूंगा, तब तो हिंदुस्तान है, और वरना फिर बेकार है। बहुत अच्छा, आइए छोटा सा खंड गीत हमारी तरफ से सुनिए प्रिया। आपके नीचे वाले वो महोदय कह रहे थे, क्रोधी जी हमारे कह रहे थे, आप मेरा गीत समझ नहीं पाई, मेरे घर में घंटे के अंदर घर है। अच्छा, आप मेरा 81-82 समझ पाए थे? क्यों, हमारे 81-82 को 90-95 केवल अपना गीत गाने आए, अपना गीत बताने आते हो बस, केवल इसी बात के क्रोधी क्रोधी। हमारा ये 81-82 कौन गाएगा भाई, अपना आप बता रहे हो घंटा करने। अरे हमने तब भी मैंने आपको गिरजा घर बताया, भोलेनाथ बारात लेकर गए गिरजा घर पर, और निकलता है गिरजा घर, लोग लिखते हैं गिरजा घर, अजायब घर, यानी आप कह रहे कि अजायब घर, बताना ना पड़े कहाँ है, मुझे बताना नहीं पड़ रहा, आपको भी तो बताना पड़ा कानपुर में घंटा घर है, ये क्यों बताना पड़ रहा है बताओ। और जैसा अजायब घर मैंने दुर्योधन के लिए बताया, ऐसा अजायब घर कहीं है ही नहीं, जहाँ गीले में सूखा और सूखे में गीला दिख रहा है, इससे अजीब क्या बन सकता है। लेकिन जवाब कलाकार मानता कहाँ है, लेकिन जब ये कैसेट लोग सुनेंगे और हम आप यहाँ से चले जाएंगे, तब बैठ कर लोग आकलन करेंगे कि कौन से कलाकार ने कितनी मेहनत की। और क्या, चलिए बैठ के लोग आकलन करेंगे। क्रोधी जी मुस्कुराते, बढ़िया हुआ। और क्या, उनको भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होगी अगर क्रोधी छाप नहीं हटाई दूंगे तो। हमने तो अभी हंसते हुए देखा, हमने तो लगा आपको हंसी नहीं आती। धन्यवाद आपको। एक टुकड़ा मैं जवाब का जरूर सुनाई दे रही हूँ, ताकि आपको ये मौका न मिले कि मैंने जवाब दिया। हाँ, सुना दे बेटा। एक बात और आप कह रहे थे, मैं आपकी ही बात को टोकूंगी। हाँ, मैंने कहा गले ही पड़ गया मेरे दाग काला, इसको भी आप कह लेंगे क्रांतिमाला जी, भाभी जी, अगर 20 लोग एक बात कह रहे हो और एक लोग अपनी बात कह रहा हो तो 20 लोग सही होते। अच्छा, ये किसी डॉक्टर ने कहा है क्या? चंद्रशेखर आजाद अकेले भारत माता की जय बोल रहे थे, अंग्रेज सारे मिलकर मार रहे थे, तो क्या चंद्रशेखर आजाद गलत थे क्या? अगर वो भी है तो ये भी है, इसलिए मैंने अपने गाने को गाने से पहले कह दिया, दुनिया कहती भोलेनाथ के गले में नीला निशान पड़ा, और मैं भी कहती हूँ कि नीला निशान है, मैंने गलत नहीं किया। लेकिन मैंने कहा, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि दाग काला, आप हमसे पूछते वो किताब कौन सी है, पैसा लगता है किताब खरीदने में, और का हिम्मत हो तो हाथी बांधो। तो हमने पढ़ा है उसको, और पुस्तक का नाम हम आपको बताएंगे नहीं, कार्यक्रम खत्म हो जाए तो बाबूजी के पैर छू लेना, बता देंगे ईमानदारी, बताना बेटा लड़का विद्वान हो जाएगा, बता देंगे तुम्हें आराम से, आपके भी काम आएगा। और देखिए, पहले मैं दाग काला, फिर राहु के सिर के कटा हुआ भाग काला, और फिर सर्प जो गले में पड़ा वो नाग काला, दाग भाग नाग, इस तरह से गीत चल रहा है। और क्या, और आपके में बदन में पड़ गया मेरे, बस हो गया, शराफत मोल ली मैंने, सर आफत मोल ली मैंने,
गले ही पड़ गया मेरे, गले नहीं उतरा। हाँ। ये सब मुहावरे चल रहे हैं पूरे गीत में। और क्या अच्छा, तो इसको इसको क्रोधी जी आप नहीं गाओगे क्या? हाँ। इसको नहीं लिखोगे? अपना माल माल दूसरे को भे, कहाँ कढ़ैया रखी कहाँ पकौड़ी चुआ रहे। चलिए गीत सुनिए। के खुशी का है मौका, भैया से भी निवेदन कर रहे हूँ सुनेंगे आजकल। सही बताऊं भैया, चार गाने आदमी तैयार कर लेता है कैसेट से। एक ढोलक वाला ले लिया, एक राइटर पकड़ लिया, दो झीके वाले, मंडल खुल गया। खुल गया, लेकिन उस मंडल को चलाने में कितनी साधना, कितनी तपस्या, कितने आशीर्वाद काम आते हैं ये लोग समझ नहीं पाते। केवल पार्टियां ऐसे नहीं चल जाती, और इस बात को वही जानते हैं जो आज से 10-20 साल पुराना कीर्तन सुनते रहे, जिनको कीर्तन की जानकारी है। तो ये देखिए ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। मैंने अपना इसमें बहुत सारा जीवन खत्म किया है ये चंदन लिया, और ईश्वर करे आपको भी सीखते सीखते ही आएगा। लेकिन एक निवेदन, आपसे बड़े होने के नाते आपने मुझे भाभी कहा है, तो मैं आपसे एक निवेदन कर रही हूँ, उसको गलत मत समझिएगा। थोड़ा वक्तव्य की शैली कम करके गायन की शैली को बढ़ाइए, तो मेरा दावा है आपसे अच्छा कलाकार कोई नहीं है। मेरा दावा है आप अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा लच के झुक के रहना सीखिए। वो मुझे आपने आज कहीं नजर नहीं आया, जबकि मैंने शुरुआत में जब आपको गाड़ी में मुलाकात की तो मेरी ऐसी कहीं भावना नहीं थी कि मेरी ऐसी जवाबी आपसे हो जाएगी, लेकिन आपने इतना बात को बढ़ाया, आपसे ज्यादा नीचे वालों ने आग में घी डाला, तो कोई बात नहीं। सुनिए, खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं और इस गीत को जिसने भी लिखा है उसको धन्यवाद। धन्यवाद। अगर क्रोधी जी ने लिखा है, आपने लिखा है, चलिए। अरे इनसे बढ़िया तो आप ही लिख लेते हो, और क्या बेकार पैसा बर्बाद कर रहे हो। इनको ना लाया करो, आप स्वयं लिख लेते हैं। बढ़िया गीत, लेकिन बस इसमें एक लाइन काट दीजिएगा। आप कह रहे थे जब घर में मेरी शान, जब घर में मेरी लाश जले, मेरे तन पर देखो तिरंगा हो। नहीं, कोई वीर नहीं चाहता कि उसके शरीर के साथ भारत माता का तिरंगा जलाया जाए, और कभी नहीं जलता तिरंगा, नहीं जलता वो तो उड़ा कर लाया जाता है, लाया जाता है। वो कफन नहीं होता है, वो शहीद के लिए उसका अंग वस्त्र होता है ये। और तिरंगा ही अगर जल जाएगा तो फिर भारत की शान जल जाएगी, जल जाएगी। नहीं, तिरंगा उड़ाया जाता है लेकिन जलाया नहीं जाता है। ये इस लाइन को आप हटा दीजिएगा, बाकी आपका पूरा गीत बहुत अच्छा ये सही, इसको सही और भाभी हूँ इसलिए बताए दे रहे हैं। हाँ। चाची होती तो कभी ना बताती। चलिए सुनिए, गीत बहुत अच्छा,
और बड़े अच्छे भाव से आपने गाया है, आपको धन्यवाद है। आपने कहा कि पीठ ना दिखाई गोली सीने पे खाई, तिरंगा उड़ाना भैया मेरे बदन पे, और लाइनें आपकी अच्छी अच्छी हैं। जो भी मैंने पूरा गीत नोट नहीं किया, लेकिन जरा सुनिएगा। जिस समय उस लाल की लाश उसके घर पर आई, उस वीर का शहीद का शरीर उसके घर पर आया, शव आया, तो कल्पना करके देखिए सबसे ज्यादा कष्ट किसको हो रहा होगा। क्या बात, दुनिया में इतना कष्ट किसी को नहीं हो सकता, और ये कष्ट है उसको जन्म देने वाली माँ को। माँ हमेशा ये सपना देखती है कि मेरा लड़का मेरी लाश अपने कंधे पर ले जाएगा, लेकिन आज माँ के सामने उसके बच्चे की, नौजवान बच्चे की लाश पड़ी है, तो जरा सोच कर देखिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी। लेकिन वो माँ दौड़ी दौड़ी आई, क्योंकि वो भारतीय नारी है, भारत की नारी है, इसलिए वो अपने लाल से चिपट कर, उसके शरीर से लिपट कर अपने बच्चे से एक बात कहती है। क्या उसने कहा कि चट्टान जैसा बेटा, उस्मान ने कहा कि चट्टान जैसा बेटा तेरा था इरादा, और माँ से किया था जो तूने कभी वादा। उस माँ से तूने वादा किया था, वादा किया, वादा ये किया था, माँ मैं आऊंगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था ऐसे आएगा। तो चट्टान जैसा बेटा तेरा था इरादा, और माँ से किया था बेटा तूने कभी वादा, लेकिन आज के फर्ज भी निभाया तूने, कर्ज भी चुकाया, और इस बूढ़ी माँ के सामने के तिरंगे में लिपट करके बेटा घर आ। लिपट कर तिरंगे में बेटा घर आ। उस्मान ने कहा के भारत माता के संग, ए मेरे लाल मैं भी तेरी माँ हूँ, और ये भी तेरी माँ है, मैं तेरे जन्म देने वाली माँ हूँ, और ये तुझे पालने वाली माँ है। अगर ये ना होती तो तेरा पेट नहीं भरता, तुझे अन्न हवा पानी कहाँ से मिलता। तो मैं भी तेरी माँ हूँ, ये भी तेरी माँ है, पर भारत माता के संग इस माँ को ना भुलाना, भारत माँ के संग इस माँ को ना भुलाना। और माँ ने कहा वचन तुझसे लेती हूँ बेटा, वचन को निभाना, फिर हो सके तो फिर जन्म लेके मेरी गोदी में आना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। बहुत लोगों से आपने इस गीत को गाया होगा, मैं प्रयास कर रही हूँ, और चंदन भी अगर अच्छा लगा हो तो मुस्कुरा दीजिएगा, बस बस हमारा काम है। देवर हंसते तो अपने आप दादी खुश हो जाती है। ये भी तेरी माँ है, मैं भी तेरी माँ हूँ, पर भारत माता के संग में मुझे ना भुलाना, वचन तुझसे लेती हूँ बेटा, ये वचन को निभाना, तो फिर से जन्म लेके मेरी गोदी से। Oh, 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 oh
देखा जा सकता है, बहुत बड़ा किया जा सकता है बेटे। लेकिन एक टुकड़ा और पढ़ रही हूँ, जितना माँ को कष्ट है उससे कम पत्नी को नहीं है। उस वीर लाल की, उस शहीद की पत्नी दौड़ कर आती है और अपने पति के कभी हाथ चूमती है, कभी पैर चूमती है, सोचती है कि मैं क्या कर दूं इनके लिए। आंखों में आंसू भी है लेकिन अपने दिल का दर्द कह नहीं पा रही। और कुछ ऐसी महिलाएं, आपने देखा होगा अभी पुलवामा हमले में तमाम लोग ऐसे वीर मरे जिनकी पत्नियों ने रो कर नहीं उन्हें सल्यूट देकर विदा किया, तो ऐसी भी नारियां हैं। लेकिन वो पत्नी बोली अपने पति से कि स्वामी देश सुरक्षित रहे, देश ये सुरक्षित रहे, देश की ये मांग है और देश के खातिर मेरी सुनी हुई मांग। चूनर भी सर से कई, आपके साथ मेरा सब कुछ चला गया। जब तक पति रहता है तब तक पत्नी सर उठाकर जीती है, और जब पति नहीं रहता तो आप समझ लीजिए पत्नी की आधा से ज्यादा शक्ति खत्म हो जाती है। पति चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अगर पति बना रहे तो पत्नी का सम्मान होता है, और पति ना हो तो समाज में फिर कोई अपनाता भी नहीं। तो चूनर भी सर से गई, मेहंदी का रंग छूटा के छूटा है साथ लेकिन संबंध नहीं छूटा। साथ भले ही छूटा हो लेकिन ये पति पत्नी का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। तो उस पत्नी ने भी ये कहा, क्या जा रहे हो स्वामी तो ये भी सुनते जाना, जा रहे हो स्वामी तो ये भी सुनते जाना, जाते जाते हमसे एक ये वादा करते जाना। इस जन्म में तो गए लेकिन सुनी हुई मांग अगले जन्म में सजाना। उस पत्नी ने कहा कि मैं ईश्वर से यही मांगूंगी कि मुझे पति मिले तो हर बार आप ही मिले, क्योंकि जो देश के लिए मर जाए, जो ऐसी शक्ति के लिए मर जाए जिससे दुनिया जी रही है। माँ भी कह रही अगर मेरे पास एक में ही 100 लाल होते तो मैं 100 को भेज देती। पत्नी भी कह रही स्वामी आप चले गए दुख तो रहेगा लेकिन इस बात का फक्र है कि तुम्हारा दिया हुआ अंश मेरे गर्भ में पल रहा है, और जब ये सयाना होगा तो एक दिन ऐसी ही वर्दी पहनकर ये गांव में आएगा, ये उसकी इच्छा है। तो जाते जाते हमसे स्वामी ये वादा